हाय, दिस इज मनीषा सिंह। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आ गई हूँ आप सभी के बीच एक और न्यू जॉब अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इंडियन मिलिट्री की तरफ से। ये आपको फ्रेंड्स ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो, आगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स वे में समझाऊंगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, जॉब की प्रोफाइल क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगा, इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगा। सो, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इंडियन आर्मी मेस की वैकेंसी आई है, मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से आपको 2023 के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो टोटल सीट्स निकल के आया है वो आपका 7,256 पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। सो, आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ आप अभी से ही, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है आप सभी के लिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, तो आपका जो ये फॉर्म है वो आपको जून के लास्ट वीक में, और अगर जून लास्ट वीक में नहीं आते तो जुलाई के फर्स्ट वीक में तो पक्का ही ये फॉर्म आपका आउट हो जाएगा। और इस फॉर्म के लिए जो आपका फ़ी रहने वाला है वो आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए आपका 100 रुपीज़ रहने वाला है। वहीं आपको एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो उनसे यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट फ्रेंड आपका एज ऑन 14 मई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रहने वाला है। वही फ्रेंड्स, ओबीसी वालों के लिए ये एज आपका मिनिमम 18 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम 28 इयर्स रहने वाला है। एससी एसटी वालों के लिए मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम आपका 30 इयर्स एज लिमिट रहने वाला है। मींस कि यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। आपको ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं एससी एसटी वालों को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ पोस्ट के लिए बता रही हूँ, और बाकी पोस्ट के लिए फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लेना, तभी जाके आप समझ पाओगे। तो जैसा फ्रेंड्स आपको बताया कि इंडियन आर्मी में मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए मैं अभी आपको पोस्ट वाइज जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका जो है फर्स्ट वैकेंसी है वो आपका मेट के लिए है। वो आपको टोटल सीट्स 4,303 पोस्ट रहने वाला है। मेट के पोस्ट के लिए आपको 4,303 सीट्स देखने को मिल जाएगा। ये आपका 10th लेवल का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। देन आपका एमटीएस यानी कि पीयून चौकीदार के लिए आपका पोस्ट रहेगा, 264 सीट्स के लिए वैकेंसी है, और ये भी आपका 10th पास आउट वालों के लिए है। थर्ड आपका एलडीसी और जेएए के लिए है, यानी कि इसमें आपको फ्रेंड्स 174 सीट्स है, 12th पास आउट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहने वाला है। फोर्थ आपका सीएमडी के पोस्ट के लिए आपका 226 सीट्स रहने वाले हैं। ये भी आपका 10th लेवल का है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यूडीसी और एसडब्ल्यूए की पोस्ट आपको 20 सीट्स रहने वाली है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। देन फ्रेंड्स, आपका एस्टेनो की पोस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पे आपको 15 सीट्स रहने वाला है, और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपको मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए।
उसके बाद जो आपको पोस्ट है फ्रेंड्स, वो आपका ड्राउट्समैन का पोस्ट है। यहाँ पे 26 सीट्स रहने वाले हैं। मीटर रीडर के लिए 29 सीट्स रहने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 145, जूनियर इंजीनियर क्यूएस एंड सी के लिए 117 सीट्स रहने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर ईएम के लिए आपको 53 सीट्स रहने वाले हैं। ये सब तो फ्रेंड्स मैंने आपको डायरेक्ट वैकेंसी बताया, तो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स जो है वो आपको प्रोमोशंस के थ्रू भी फुलफिल किया जाएगा। तो ये सारा जो आपने अभी मैंने आपको बताया, इसको आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तब जाके आप क्लियरली इसको समझ पाओगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका वो 3 मेजर स्टेजेस पे डिपेंडेबल है। फर्स्ट आपका फ्रेंड रिटन एग्जाम होता है, सेकेंड आपका फिजिकल आपका टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो ये भी आपको कुछ पोस्ट के लिए, हर पोस्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो थर्ड आपका स्किल टेस्ट है, जो कि आपको एलडीसी और यूडीसी के पोस्ट के लिए आपसे मांगा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन की प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी है, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क दिया जाता है। और आपका पेपर 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में आपका एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा संभल के एग्ज़ाम देना है कि कुछ गलत ना हो जाए। 4 गलत करने पे आपका 1 क्वेश्चन का मार्क कट जाता है, मतलब कि 0.25 निगेटिव मार्किंग। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का, जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है, और आपको इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। और बहुत सारे पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के लिए दोगे तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, जीके जीएस से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, और आपका मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 2 आवर्स की आपकी पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। ये पेपर जो आपका फ्रेंड्स होता है वो आपको ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन पेपर लिया जाता है। देन आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली ऑल जो मेल एंड फीमेल होते हैं जनरली, उनके लिए आपको मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रहने वाला है, और फीमेल्स के लिए आपको 157 सेंटीमीटर रहने वाली है मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट। वहीं जो भी कैंडिडेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र की फीमेल्स के लिए ये मैंने आपको बताया हाइट की रिक्वायरमेंट। देन फ्रेंड्स आपका रनिंग होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है आपका 24 मिनट्स में, और वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 1600 मीटर का रनिंग होता है आपको 8 मिनट्स में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ कुछ पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको टाइपिंग की टेस्ट ली जाती है, यानी स्किल टेस्ट होता है आपको एलडीसी और यूडीसी के पोस्ट के लिए। तो इसमें आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि कितनी स्पीड की टाइपिंग होनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपका जो स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी वालों के लिए ये स्पीड आपका 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा। अब आप क्यूरियस हो रहे होंगे कि चलो ठीक है, आपने सिलेक्शन की प्रोसेस बता दी, एग्ज़ाम की पैटर्न भी बता दी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बता दी, चलो ये सब तो ठीक है, पर मेरा जॉब होता है तो मुझे सैलरी क्या मिलेगा? क्योंकि जो भी जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन उनको सैलरी के पार्ट से ही मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में 35,400 से स्टार्ट होता है और 111,400 तक की आपका सैलरी रहता है। ये पर मंथ का रहेगा आपको।
तो जैसे कि आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो पर ईयर आपको अच्छे खासे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अच्छे खासे आपको पोर्टफोलियोज देखने को मिलेंगे, प्रोमोशंस होंगे आपके, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और फ्रेंड्स जॉब की लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया में रहेगा एज पर अलोकेटेड बाय द इंडियन मिलिट्री सर्विसेज। आपको आर्मी की तरफ से जहाँ भी आपको दिया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, आपको वहाँ पे अपनी सर्विस देनी होगी। और फ्रेंड्स आपको इस जॉब का जो ना प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इंडियन आर्मी में आप सर्विस दोगे, ग्रुप बी ग्रुप सी के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो आप लोग अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, अभी से ही आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करो ताकि मेन टाइम पर आप छूट ना पाओ। सो आई होप कि आप सभी को जो भी मैंने डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर इसको समझने में आपको कोई सा भी दिक्कत क्वेरी आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हो, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना हो तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक बार विजिट कर लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आप सभी तक जाए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इसके रिगार्डिंग डिटेल्स मिल पाए। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।